News 18, India. और इस वक्त की बिहार से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर क्लियर किया है और सामने रख दिया है अपने बयान के जरिए अपना पक्ष। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान, तख्ता पलट, नीतीश के लिए आसान नहीं होगा, नीतीश के लिए दोबारा शपथ लेना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव जो दावा कर सकते हैं सरकार बनाने का, अब ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। हालांकि चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब जो तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके लिए इस बार पलट जाना बहुत आसान नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर समझा जा सकता है पिछले दो घंटे से किस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि एक बजे की बैठक जब खत्म होगी उसके बाद हो सकता है कि जो बैठक करें उसमें यह निर्णय लिया जाए कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने अपने मीटिंग में विधायकों के साथ यह कहा है कि नीतीश कुमार के लिए तख्ता पलटकर फिर से दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाना और शपथ ग्रहण करना आसान नहीं होगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो लालू परिवार है, तेजस्वी परिवार है, वो पूरी तरीके से विधायकों के तोड़ जोड़ में लगा हुआ है और संख्या बल जुटाए जाने की कोशिश हो रही है आरजेडी की ओर से। आरजेडी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो यह कैसे सरकार में आ जाए इसकी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई विधायकों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संपर्क भी किया जा रहा है। जेडीयू के कई विधायकों से संपर्क किया गया है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के लिए सरकार में आना उतना आसान होगा? लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस विश्वास के साथ वो अपने विधायकों के साथ बैठक में उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार के लिए तख्ता पलटकर फिर से सरकार में दूसरे गठबंधन के साथ आना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार पूरी तरीके से सत्ता में आने के लिए अपनी एड़ी चोटी और पूरे तरीके से ताकत का प्रयोग करेगा, चाहे वो पैसे से हो, चाहे जिस तरह से है। तो चंद्रमोहन, जो खबर आप दे रहे हैं ये बेहद अहम है, लेकिन सिर्फ जेडीयू का, आरजेडी का ही कदम इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी अगला स्टैंड क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अरुण, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि तेजस्वी यादव का ये कॉन्फिडेंस कहीं ये तो नहीं बताता कि चाहे संख्या बल कम क्यों ना हो आखिर तक आपको हार नहीं माननी होती है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार संख्या बल के लिहाज से कमजोर होते तो वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाते जो अब संकेत मिल रहा है। देखिए, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल जानते हैं, इतना कुछ होने के बाद अगर उनके पास संख्या बल नहीं होता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। सब कुछ व्यवस्था फुल प्रूफ हो जाती है तभी ये बातें बाहर आती हैं। आज की बात नहीं, ये महीनों से पक रहा था। और जब तक संख्या बल नहीं हो जाता, ना तो बीजेपी इस तरह की बैठकें करती है, ना तो नीतीश कुमार लालू यादव का फोन उठाना बंद कर देते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव चाहे जो कहें लेकिन अगर नीतीश पलटते हैं तो संख्या बल उनके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि कल रात में जिस तरह से बात हो रही थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष यहाँ के अखिलेश प्रसाद सिंह वो भी गए थे और जीतन राम मांझी से उन्होंने भी बात कर ली चार विधायकों के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी कब कहां जाएंगे ये उनका भी तय नहीं है। इसलिए जो आरजेडी गठबंधन बनेगा कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के साथ भी रहे तो भी जो जरूरी संख्या बल है उससे नीचे रह जाएगा। इसलिए मुसीबत विपक्ष का जो गठबंधन उसके सामने है। बीजेपी और नीतीश अगर एक साथ आने का फैसला करते हैं तो उनको कोई चुनौती नहीं मिलेगी।